नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रेलवे से संबंधित प्रश्न, ठीक है, और ऐसी ट्रिक और ऐसे मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको खुद तो बन ही जाएगा, साथ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये आसान चीज नहीं होती बोलना, मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा कि साथ में आप दूसरों को तक को पढ़ा पाएंगे, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो खोल लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नियम बताने जा रहा हूं अपनी तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में आपका एक ही फॉर्मूला काम में आएगा जो कि समय और दूरी में भी आता, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, आपका केवल और केवल यही फॉर्मूला काम में आने वाला है रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, हर क्वेश्चन के साइड में आप एक काम करिएगा, एक साइड में ऐसा पैराग्राफ बना के चाल दूरी और समय लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। अब रेलवे वाले प्रश्नों में, रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में क्या अलग होता है उसकी चीज, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दो, ये तीनों ही चीजों पे हम चर्चा करेंगे, चाल में, दूरी में और समय में। यदि अब चलिए सबसे पहले हम दूरी की बात कर लेते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं। रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में आपको पांच चीजें आएंगी दूरी के संबंध में, आपको बता दूं पांच चीजें क्या क्या आएंगी। सबसे पहले देखिए, यदि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति या खंबा या पुल या प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी रेलगाड़ी, आपको केवल यही एक दो तीन चार पांच, मोस्टली यही पांच चीजें मिलेंगी जिसको ट्रेन पार कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, ट्रेन पार कर रही है, या ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करते हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, या ट्रेन किसी खम्भे को या फिर टेलीफोन ग्राफ को या फिर पुल को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें अब देखिए दूरी का क्या महत्व है, कुछ नियम है। सबसे पहले मैं आपको दूरी वाले नियम बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है तो पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, यह है व्यक्ति, ठीक है, जैसा भी बना है हंसना मत, यह व्यक्ति है, इसको ट्रेन कितनी दूरी, कितने पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, एक खंभे को पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है, एक आपका पुल है इसको पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म को पार किए गए करने में तय की गई दूरी क्या होगी, और एक ट्रेन है उसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन। तो एक चीज बता दूं, जो अचल है, अचल और जो बिल्कुल नगण्य है, जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति ये आपका एक व्यक्ति है, मान चलिए खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है। अभी आपकी छुक छुक गाड़ी है दो डब्बे वाली, चलो तीन डब्बे वाली है, ये व्यक्ति के पास पहुंच गई तो क्या इसने इसको पार कर लिया, नहीं किया, ये पार कब करेगी जब इसका अंतिम डब्बा इस व्यक्ति के पार हो जाएगा। ये देखिए इस कंडीशन में इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार कर लिया, ठीक है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है ना उतनी दूरी ये तय करेगा व्यक्ति को पार करने में। खंबे के साथ भी यही है, जो ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी ट्रेन पार करने के लिए। अब आ गई बात प्लेटफॉर्म की और पुल की, तो एक तो ट्रेन की स्वयं की दूरी होती है, ठीक है, ये लास्ट डब्बा है, मान चलिए ये लास्ट डब्बा है ट्रेन का, ठीक है, एल, ये लास्ट डब्बा है, और ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये इसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया आपकी ट्रेन ने। अब ये कितनी दूरी तय करेगी, एक तो स्वयं की दूरी तय करेगी, दूसरा ये अपने प्लेटफॉर्म, जितना प्लेटफॉर्म बड़ा था उतनी दूरी तय करेगी। तो कभी भी प्लेटफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आए या पुल से संबंधित क्वेश्चन आए तो दूरी ऐड हो जाएगी ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि आपकी 10 मीटर की ट्रेन है और 2 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, टोटल 12 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी,
दिमाग में बैठा लो, सीधे रट लो, कुछ नहीं है क्या? ठीक है, क्या बोला मैंने? व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ट्रेन जितनी लंबी होगी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। खंबे को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ट्रेन जितनी लंबी होगी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। यदि ट्रेन किसी ट्रेन को पार कर रही है तो भी दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बात किसकी हो गई है? दूरी की, दूरी की। अब दूसरी चीज आती है चाल। अब चाल से रिलेटेड, देखो दूरी से रिलेटेड मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, ठीक है, व्यक्ति, खंबा, पुल, प्लेटफॉर्म और ट्रेन। अब चाल से रिलेटेड सवाल देख लो। चाल से रिलेटेड सवाल क्या है? चाल में ऐसा है कि यदि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन है और एक व्यक्ति जो टहल रहा है, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और एक ट्रेन है और एक व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। दो ट्रेनें आपको बताई दी है, ठीक है, तो ये कंडीशन आती है। तो जो भी चीज चल रही हो, क्या हो रहा है? चल रही हो, चाहे वह व्यक्ति हो या ट्रेन हो, चाहे वो व्यक्ति हो या ट्रेन हो, यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी, और समान दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल घट जाएगी। सिंपल सा बता दे रहा हूं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो भैया जल्दी मिल जाएंगी ना, ये यहां से चला, ये यहां चला, ये इधर से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो दौड़ रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, तो जोड़ देना। जो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे, तो यहां घटा देना। ठीक है, चाल की बात हो रही है, ठीक है, चाल क्लियर हो गया, चाल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं फटाक से, जल्दी से रिवीजन करते, 2 मिनट लगेंगे। व्यक्ति और खंभे को पार कर रही है ट्रेन तो कितनी दूरी तय करेगी? जितनी उसकी खुद की दूरी होगी। प्लेटफॉर्म ब्रिज को पार कर रही है तो दूरी ऐड हो जाएगी, बिना किसी देर किए हुए ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चाल के बारे में बात कर लेते हैं। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगी चालें। एक ही दिशा में चल रही है दोनों चीज, तो माइनस हो जाएगी चाल, खत्म, कुछ नहीं करना है, सीधे ये छोड़ दो। 1 2 3 4 जो मैंने लिखा, ये जो मैंने बताया वही चीज लिखी है सब में। ठीक है, अब सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज बस और याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया? चाल बराबर दूरी बटे समय बता दिया ना, तीनों के। अब दूरी आपको क्या करना है, ये जो दूरी बटे समय है ना, हो सकता है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, ठीक है, तो आपको सेम कंडीशन में इनको चेंज कर लेना है। मेरे हिसाब से मीटर प्रति सेकंड में लेके चलो, क्योंकि मोस्टली आसान हो जाता है कन्वर्सेशन। ठीक है, जहां भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड। इसको और शॉर्ट कर देता हूं, ये याद कर लो, आंख बंद करके याद कर लो, कुछ मत करना। किसी भी चीज को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 का गुणा कर देना चुपचाप। ठीक है, हो गया कंप्लीट, 5/18। अब देखो क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आएगा, 5/18 मतलब 5/18, दिमाग में बैठा लो। पहला क्वेश्चन क्या है? 36, और मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन करना, यहां एक चाल, दूरी, समय, 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये हो गई चाल। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मैंने आपको बताया था कि इसको कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से भाग दे दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो चाल कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? दूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था खंभे आदमी को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई यहां पर कितनी है? 100, तो यहां पर 100 हो गया। अब आपको समय पूछा, निकाल लो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है? 100। चाल कितनी दी है?
चाल दी है 36, 36 को हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया था 10। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, समय कितना हो जाएगा, समय लगेगा आपको 10 सेकंड, आंसर आ गया 10 सेकंड। ये 1 सेकंड का सवाल, ये मन में सॉल्व कर लोगे आप, मन में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला देखो, फिर से कॉलम खींच लो, चाल दूरी समय, ठीक है, चाल दूरी समय। चाल क्या है, फिर से 36 किलोमीटर दे दी है तो इसको मीटर में पटाख फटाक से कन्वर्ट कर लो, कितना आया था वहां पे 10, तो 10 आ जाएगा दूरी। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए पुल आ गया, तो मैंने क्या बताया था, प्लेटफॉर्म और पुल आएगा तो कितना समय पार करने में लगेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पुल है तो पुल की लंबाई 132 मीटर है और ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, तो इन दोनों को जोड़ देना तो दूरी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका, 132 प्लस 110 बराबर, ये कितना आ गया आपका 242, 242, ठीक है, 242 आ गया। निकाल लो समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका दूरी बटे चाल बराबर 142 बटे 10, मतलब 24.2 सेकंड लग जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, दो दो सेकंड में सॉल्व होते चलेंगे। एक कॉलम खींच लिया जैसा कि मैंने बताया था, चाल दूरी समय, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ो, 121 मीटर लंबी गाड़ी है और 99 मीटर लंबी गाड़ी है, दोनों चल रही विपरीत दिशा में, मतलब दूरी दोनों की क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है। तो 40 और 32, तो मैंने बताया था यदि सेम दिशा में अपोज विपरीत दिशा में चल रही हैं यदि, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सबसे पहले 40 की कितनी कितनी है, 40 और 32, तो 40 और 32 को सबसे पहले तुरंत आप बिना देखे ऐड कर दो, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 40 और 32 को ऐड कर दिया तो 72, चाल आ गई 72। अब देखो दूरी और समय में से क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब दूरी क्या लिखा हुआ है, मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो मैंने आपको बताया था ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, यहां पे ये मिल रही है, ठीक है, यहां पे ये मिल रही है। अब पार करने के लिए क्या होगा, इसका लास्ट डब्बा, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डब्बा है, ये इसका फर्स्ट, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डब्बा। अब पार कब करेंगी, जब इसका थर्ड, एक दो तीन, एक दो तीन, अब इसने इसको पार कर लिया तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो इस ट्रेन ने तय करी है और जो इस ट्रेन ने तय करी है, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पहले वाली ट्रेन की दूरी कितनी है, ऊपर जाके देख लो, 121 और 99, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 121 और इसकी है 99, ठीक है, तो ये इनकी दूरी है। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि देखिए ये आपका 72 जो आ गया, आपने चाल को ऐड करा है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो 72 प्रति सेकंड को इसको आप कन्वर्ट कर लो 5/18 से करके मीटर प्रति सेकंड में। सबसे पहले हर प्रश्न में ये ध्यान देना है, यही गलती हो जाती है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा, 18 × 18, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, 20, तो 20 चाल 20 आ गई, दूरी कितनी आ गई, मैंने बोला आपको दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 121 प्लस 99, ये दोनों जुड़ जाएंगे
और समय आपसे पूछा गया है, बस निकल गया बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, समय बराबर दूरी 121 प्लस 99 बटे चाल कितनी है आपकी 20, सॉल्व करेंगे इसको 11 सेकंड आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अच्छा अब इनने लिखा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या करोगे, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, यदि विपरीत दिशा में चल रही होगी तो चाल माइनस हो जाएगी। चाल कहाँ निकाली थी आपने, यहाँ 72 निकाली थी, जो इसको आपको माइनस कर देना था, 40 माइनस 32 ठीक है, तो यहाँ 72 या क्या हो जाएगा 8 ठीक है। अब बाकी आप सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि जो ये तीसरे नंबर, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में केवल ये जो विपरीत दिशा में चल रही है ना, ये इसको आप यदि समान दिशा कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क है, प्लीज करना ठीक है, मुझे पता है बन जाएगा फिर भी करना, करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 110 मीटर कोई रेलगाड़ी ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है ठीक है, चल रही है ठीक है, यहां पे चाल दूरी और समय ये तीनों लिख लो, देख लो क्या क्या मिलता है। 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है और 6 किलोमीटर घंटे की गति से टहल रहे व्यक्ति को वह कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखो ये ट्रेन चल रही है, यदि दोनों विपरीत दिशा में हो और यदि दोनों एक ही दिशा में, तो सबसे पहले विपरीत दिशा में ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में टहल रहा है तो चाल ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ट्रेन की चाल कितनी है 60, व्यक्ति की चाल कितनी है 6, तो स्टार्टिंग में जो पहला दिया है उसमें 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 66 को कन्वर्ट कर लेना 5/18 डिवाइड करके ठीक है, तो आपकी चाल आ जाएगी है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो तो 55/3 आ जाएगी, ये आपके पहले वाले के लिए चाल है 55/3 ठीक है। दूरी, दूरी दी है क्या, हाँ दूरी मैंने आपको बताया था, व्यक्ति हो तो व्यक्ति, यदि व्यक्ति को पार कर रही है तो जो ट्रेन की दूरी होगी वही आपकी वो दूरी हो जाएगी, ट्रेन की दूरी दी है 110 ठीक है, तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे दूरी 110 मीटर बटे आपकी क्या दी हुई है चाल, चाल कितनी है 55/3, इसको आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है, तो 3/55 हो गया, पड़ेगा 6 सेकंड, इसका सही आंसर आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में यदि विपरीत दिशा में चल रही समान दिशा में चल रही हो तो 66-6 हो जाएगा, 66-6 आपका आ जाएगा 54, 54 में आप 5/18 कर देना, तो 5/18 करोगे 54 में तो आ जाएगा 15, तो चाल आ गई 15, फॉर्मूला सेम वही हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी आपकी सही है और चाल आ गई आपकी 15, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 22/3 आ जाएगा, या फिर 7 सही 1/3 जो भी आंसर दिया हो वो आप आंसर लिख देना ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवा क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक ही दिशा में चल रही है मतलब माइनस होगा, सबसे पहले तो यही सोच लिया करो कि एक ही दिशा में चल रही है विपरीत दिशा में, तो इनकी फिर से ये कॉलम बना लो, दूरी चाल समय, ये तीनों कॉलम बना लो ठीक है। चाल क्या है, एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 50 में से 30 सीधे माइनस कर दो, 20 बचे आएगा ठीक है। दूरी देख लो, तेज गति से चल रही गाड़ी धीमी गति से चल रहे गाड़ी में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो देखो व्यक्ति को पार कर रही है ठीक है, तो आपकी जो वो है क्या बोलते हैं चाल दूरी है, गाड़ी की लंबाई बताइए, मतलब दूरी निकालना है। अब एक चीज देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बस इसको थोड़ा सा यदि जोर देके समझेंगे ना आराम से समझ आ जाएगा आपको। आपको समय दिया हुआ है 18 सेकंड, 18 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, आपको चाल दी हुई है, दूरी अपने आप निकल जाएगी ट्रेन की, लगा दो फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल कितनी है 20, लेकिन 20 अब तुरंत उठा के यही गलती करते हो एग्जाम में, 20 का 20 रख देते हो, इसको कन्वर्ट कौन करेगा, 20 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 5/5/18 तो क्या आ जाएगा 50/9 ठीक है, ये आ गया, तो चाल कितनी हो गई 50/9
और समय कितना है, 18, 9 कम 9 18, टोटल कितना आ जाएगा, 100 मीटर लंबी ट्रेन है आपकी, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, यह इसका आंसर आ जाएगा। चलो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, सातवें क्वेश्चन को पढ़िए। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कई जगह, चाल हो गई, चल रही रेलगाड़ी को कोई प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड लगता है, ठीक है, 18 सेकंड लगता है। इसके बाद 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में उस रेलगाड़ी को 12 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी व प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ समझना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्या किया है, रेलगाड़ी एवं प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये एक रेलगाड़ी है, नहीं ये प्लेटफॉर्म है, चलो रेलगाड़ी, छुक छुक गाड़ी में डब्बे होते हैं ना, और ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है। यदि यदि मैं आपको रेलगाड़ी की लंबाई बता दूं, ठीक है, और ये पूरी लंबाई बता दूं, मतलब मैं आपको एक तो रेलगाड़ी की लंबाई बता दूं और ये बता दूं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है, तो क्या आप प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी, जितनी दूरी उसने पार करी है प्लेटफॉर्म को, उसमें से ये माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, ऊपर पढ़ो क्या क्या लिखा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है रेलगाड़ी, तो आपको चाल तो पता है, चाल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्या दूरी दी हुई है, क्या समय दिया हुआ है, क्योंकि कम से कम दो चीजें चाहिए, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगाए हैं, ठीक है, चलो चाल आपको पता है 25, इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, और आपको लिखा हुआ है समय, ठीक है, 18 सेकंड। इसके बाद लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लगाती है, तो क्या इस वाले आप जो पहला यहां तक पढ़ रहे हैं, जो यहां तक इस क्वेश्चन से आप प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको जो सेकंड लिखा है ना, उससे आपको रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल लिखी है, ठीक है, व्यक्ति की चाल लिखी है, व्यक्ति 5 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उसके में ऐड हो जाएगी, तो 25 और +5 30 किलोमीटर, ये एक ऐड हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, और व्यक्ति को पार करने में कितने समय लगते हैं, 12, तो इससे आपकी आ जाएगी ट्रेन की दूरी, फिर ट्रेन की दूरी आ जाएगी, उसके बाद आप टोटल दूरी निकाल लेना, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म की दूरी पता चल जाएगी। तो ट्रेन की दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका, चाल गुणित समय, ठीक है, तो चाल गुणित समय करो आप, आपको जब 30 आ गया तो 30 को आपने 5/18 से डिवाइड करेंगे तो 25, चाल आ जाएगी आपकी 25/3 × 12, तो 100 मीटर तो आपकी ट्रेन की वो हो गई, क्या हो गई, लंबाई हो गई 100 मीटर। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, आपको ट्रेन की भी लंबाई निकालनी है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई निकालनी है, ठीक है। यदि आप केवल पहले प्रश्न को पढ़े यहां तक है तक, यहां तक यदि आप पढ़ते हैं, तो आपको दी हुई है दूरी, ठीक है, और कितने सेकंड में पार करती है ये दी हुई है, आप उसको सॉल्व करो। अच्छा इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको ट्रेन की भी लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया, यहां से आप ट्रेन की लंबाई निकाल लो दूसरे वाले क्वेश्चन से। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ट्रेन की जो चाल दी हुई है 25, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जगह ले लेते हैं, हाँ जगह है थोड़ी बहुत, वही मैं सोच रहा हूँ जगह है या नहीं। इसके बाद आप एक काम करिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे को फिर से कन्वर्ट कर लीजिए आप जल्दी से, तो 125/18 आ गया आपका। अब इस गति से 18 सेकेंड में तय की गई दूरी निकाल लीजिए, तो 18 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल, तो चाल आपकी क्या है, 125/18 × 18, 125 मीटर। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 125 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी है, किसको, ट्रेन को। तो आपको पता है क्या चीज मिल गई आपको, प्लेटफॉर्म को पार करने में 125 मीटर, मतलब आपको ये पूरी डिस्टेंस मिल गई, ये वाली,
और इससे पहले आपने ये ट्रेन की डिस्टेंस निकाली है 100 मीटर, इसको इसमें से माइनस कर दो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 25 मीटर हो जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए अच्छे से, मैंने आपको ये बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन से आपको निकल आएगी ट्रेन की लंबाई, ठीक है, दूसरे से निकल जाएगी आपको टोटल डिस्टेंस, ट्रेन को दूरी तय करने में टोटल डिस्टेंस, आप इसमें से इसको घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकल आएगी, तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, रेलगाड़ी की भी लंबाई मिल जाएगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसका पार्ट टू बना दूंगा मैं, ठीक है, अभी मैं इतना ही इसको अपलोड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और यदि पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके बताइए, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर शायद चौथा या पांचवा पूछा था मैंने, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।